इन दिनों अभिषेक बच्चन की फेवरेट ड्रेस है व्हाइट कुर्ता और पजामा। नो, डोंट गेट कंफ्यूज। जूनियर बच्चन का पॉलिटिक्स में जाने का कोई इरादा नहीं है। इस ड्रेस को पहनने का मकसद कुछ दूसरा है। जी हाँ, ये मकसद है पा का प्रमोशन, क्योंकि पा में अभिषेक प्ले कर रहे हैं एक यंग पॉलिटिशियन का रोल और फिल्म में मोस्टली इसी ड्रेस में दिखाई देंगे। लेकिन जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो जूनियर बच्चन हो गए कुछ खफा। ये सवाल मुझे कल भी पूछा गया था कि आप कुर्ता पजामा क्यों पहनते हैं। ऐसे पूछा गया था कि मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ। अरे भाई अभी जस्ट चल आए, आप अकेले एक्टर तो नहीं हैं जो अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए रियल लाइफ में भी बन जाते हैं फिल्म का कैरेक्टर। अब कटरीना कैफ को ही लीजिए, जो अजब प्रेम की गजब कहानी की रिलीज से पहले नजर आई थी इस गेटअप में, क्योंकि फिल्म में उनके कैरेक्टर का गेटअप कुछ यही था। जब फिल्म हिट हो गई, तो कटरीना वापस लौट आई पुराने कोशंट पर। कुछ यही प्रमोशनल फॉर्मूला बन गया आमना शरीफ का स्टाइल मंत्र अपनी फिल्म आओ विश करें की रिलीज के पहले आमना नजर आई इस अंदाज में, क्योंकि फिल्म में आमना के कैरेक्टर ने मोस्टली पहनी ऐसी ही ड्रेसेस। कह रहा था जो मुझे कभी लगता था अजनबी सा। कुछ और पीछे चले जाएं तो लव आजकल के प्रमोशन के लिए दीपिका पादुकोण ने भी बदल लिया था अपना ड्रेस सेंस, और प्रमोशनल इवेंट्स में वो नजर आई सलवार कुर्ता में। यही है बॉलीवुड का नया फैशन, अब सिर्फ एक्टर्स ही नहीं कैरेक्टर्स भी करते हैं फिल्म का प्रमोशन।